हाय गाइज, तो आज जिस व्यक्ति से परिचय कराने जा रहा हूँ दोस्तों, उनका नाम था अलोई सीताराम राजू। क्या हीरोइटिक फिगर थे ये, जो भारतीय संस्कृति और जो परिचय है उनमें एक उच्च दर्जे के स्थान जो है, यदि किसी ने बनाया है तो उसमें नाम अलूरी सीताराम राजू का भी आता है, क्योंकि इनकी व्यक्तित्व को समझने के बाद आपको काफी कुछ जो है समझ में आने लगेगा। भारत का जो जैसे हिस्ट्री कहते हैं, तो जो आधुनिक इतिहास है दोस्तों, वो आधुनिक इतिहास में के पन्ने जो है पे अलूरी सीताराम राजू का जो एक फुटप्रिंट है, इट इज टू मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आज इसीलिए दोस्तों हम चलते हैं अलूरी सीताराम राजू के व्यक्तित्व और उनके जीवन के कुछ जुड़े हुए पहलुओं को छूने के लिए। यदि ये लेक्चर आप लोगों को मोटिवेट करे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके नीचे बताइएगा कि इसमें आपको क्या बात जो है अच्छी बात देखने को मिला, और क्या बात जो था वो हमें अगले किन ऐसे शख्सियत पे जो है वो वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी कमेंट करके साथ में बताइएगा जरूर। तो चलते हैं आज हम अजूरी या अलूरी सीताराम राजू को देखने। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अलूरी सीताराम राजू का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में अलूरी सीताराम राजू से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी, शिक्षा तथा उनके योगदान की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों वास्तव में उनका नाम जो था वो अलूरी सीताराम राजू था, परंतु उनका उपनाम जो था वो अलूरी रंपा रामा राजू था। जन्म तिथि दोस्तों उनका 4 जुलाई 1897 को हुआ था, जबकि जन्म स्थान जो था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भारत में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय थे हुए दोस्तों। तो अलूरी सीताराम राजू का जन्म जो है 4 जुलाई 1897 में तो हुआ विशाखापट्टनम के एक जिले के में जो पांडिक गांव में हुआ था। तो विशाखापट्टनम जिले के पांडिक गांव में जो है अलूरी सीताराम राजू जी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम जो था वो अलूरी वेंकट राम राजू था, जिन्होंने बचपन से ही अलूरी सीताराम राजू की को क्रांतिकारी संस्कार दिए थे, यह भी ध्यान देने वाली बात है, और अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरणा भी दिया था और प्रेरित भी किया था। तो उनके पिता कहते थे दोस्तों कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। इस बात को अलूरी सीताराम राजू ने दिल से लगा लिया और उनके पिता अलूरी वेंकट राम राजू और उनके पिता जो वेंकट राम राजू गोदवारी के जो है मगलूर गांव में रहते थे। तो राजू ने स्कूली शिक्षा के साथ साथ जो है निजी रुचि के तौर पर जो है वैद्य और ज्योतिष का भी अध्ययन किया था। आगे चलकर यह अध्ययन उनके व्यावहारिक अभ्यास में भी लगा रहा। राजू का यदि पालन पोषण की बात करें दोस्तों, तो उनके चाचा जो थे वो अलूरी रामकृष्ण के परिवार ने किया था। यदि हम योगदान का बात करते हैं, यदि हम ये क्वेश्चंस करते हैं कि अलूरी सीताराम राजू का कंट्रीब्यूशंस क्या था, तो काफी रोचक होगा और मोटिवेट भी करेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं दोस्तों। अलूरी सीताराम राजू ने बचपन से आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण को देखा था, और इस वजह से आदिवासियों की आदि से ज्यादा फसलों पर जो अंग्रेज अपना हक जमा लेते थे, इसके किनारे की स्थिति खराब होती जा रही थी। इससे किसानों की स्थिति जो है दोस्तों खराब होती जा रही थी, और वे किसी तरह अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी युवावस्था में आदिवासी समाज के लोगों को अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित करना शुरू कर दिया था।
उन्होंने 2 वर्ष तक सीतामाई नामक पहाड़ी की गुफा में तप किया। और फिर क्या था, राजू के क्रांतिकारी साथियों में बीरैया दौड़ा का नाम विख्यात है। बीरैया दौड़ा का प्रारंभ में अपना अलग आदिवासियों का संगठन था, जबकि 1918 में उसे अंग्रेज द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु वह जेल की दीवार कूदकर जंगलों में भाग गया और राजू का संगठन इस समय उभर रहा था। वह अंग्रेज अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देते थे। एक बार फिर बरैया दौड़ा के संगठन को जेल में बंद कर दिया गया था। उस समय राजू ने अंग्रेज सत्ता को पहले से सूचना भिजवा दिया था कि मैं बरैया को रिहा करूंगा, दम हो तो रोक लेना। कुछ समय बाद राजू ने बरैया दौड़ा को छुड़ा लिया। तो ये तो संक्षिप्त संस्करण है, लेकिन इस संक्षिप्त संस्करण को यदि आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक अंग्रेज जो पूरे भारतवर्ष पे कब्जा किया हुआ था, उसको एक आदिवासी नवयुवक जो है, नौजवान जो है, उसे चुनौती भी दे रहा है और बता भी रहा है कि हम छुड़ा लेंगे। तो आप उस व्यक्ति के मनोदशा और अवस्था को समझ सकते हैं कि क्या साहस रहा होगा। महात्मा गांधी जी ने अलूरी सीताराम राजू के लिए कहा था कि उस वीरात्मा का त्याग बलिदान मुसीबत भरा जीवन सच्चाई सेवा भावना लगन निष्ठा और अदम्य हिम्मत हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो अवश्य ही दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उनके निधन के बारे में। अलूरी सीताराम राजू का निधन वास्तव में 7 मई 1924 को जो है कोयगुर मद्रास जो है प्रेसिडेंसी में हुआ था। सच्चाई यह है कि उनके अंग्रेजों द्वारा जो है चिंटपल्ले के जंगलों में फंसने के कारण एक पेड़ से बांध दिया गया था और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो यही कहानी है अलूरी सीताराम राजू जी का, जो अलूरी सीताराम राजू को एक महान शख्सियत बनाता है। परंतु यदि हम कुछ उनके, तो दोस्तों कैसा लगा ये अलूरी सीताराम राजू जी का जीवन परिचय जानकर, प्लीज कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड